अस्सलामुअलैकुम। मैं बखैर हूँ, उम्मीद है आप भी बखैर होंगे। आज की स्टोरी में बताने वाला हूँ वाकई में कि आप घर पे बैठे हुए कैसे आप अपने लिए एक माइक्रोफोन बना सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ आपको 10 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये खर्च आएगा। 10 से 15 रुपया बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसके अंदर में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होगी, वो मैं आपको बताऊंगा किस चीज़ में होगी। बाकी जो है पहले से आपके पास में वो चीज़ लगभग होगा, यानी लगभग हर किसी के पास में होता है, इस वजह से मैंने आपको बताया 10 रुपया। वो कैसे 10 रुपया लगेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपके पास में आपका जो एयरफोन है आपको वो इस्तेमाल करना है माइक्रोफोन बनाने के लिए। जाहिर सी बात है आपके पास में एक एयरफोन ज़रूर होगा। और कई सारे मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसके अंदर में क्या करते हैं, वो एयरफोन को डैमेज कर देते हैं, और डैमेज करने के बाद में वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसको माइक्रोफोन बनाना है। बट मैं इस वीडियो में आपको मैं इस तरीके से गाइड करूंगा कि आप इसको डैमेज भी नहीं करेंगे, नॉर्मली जैसे इस्तेमाल करते हो उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल भी कर पाइएगा, और दूसरी बात है इसको माइक के तौर पर भी इस्तेमाल कर पाइएगा। वो कैसे करना है उसी के बारे में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट तो ये तो जाहिर सी बात है लगभग हर किसी के पास में होता है। अगर आपके पास में एक स्मार्टफोन है तो जाहिर सी बात है आपके पास में एक एयरफोन भी जरूर होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपली इसके माइक को इस्तेमाल करना है। और मैं यहाँ से बिल्कुल भी इसको कट वगैरह नहीं करूंगा, इसको कट बिल्कुल नहीं करने जा रहा मैं, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको सही से इस्तेमाल कीजिएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली क्या कीजिए, आप जो है जो एयरफोन में जो माइक होता है, आप सिंपली उस माइक के पास में आपको करना क्या है, इस जो भी वायर है यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरीके से मोड़ लेना है, और मोड़ना उस साइड में है जिस साइड में यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो आपको नजर आएगा छोटा सा होल आपको नजर आएगा, इस होल के अंदर में यानी इस होल के जरिए जो है आपकी आवाज़ जाती है, यानी ये जो है ये बेसिकली माइक है जहाँ से आपकी आवाज़ जाती है, वॉइस जो है इसके अंदर में जाती है, इसके जरिए तब फोन के अंदर में जाता है आवाज़। तो इसको आपको करना क्या है, फ्रंट साइड में रखना है ताकि आप कुछ भी बोले तो इसके अंदर में आवाज़ जाए और इसके जरिए रिकॉर्ड हो। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको इस चीज़ से ढकना नहीं है, यानी आपके जो वायर है वायर से इसको कवर नहीं करना है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो आपको करना क्या है, आप इसको साइड में इस तरीके से मोड़ सकते हैं, या फिर आप इसको पीछे की तरफ इसको मोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको करना क्या है, और आपको ले लेना है एक फोम, एक आता है माइक का फोम, जो कि आपको कहीं पे भी किसी भी आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाइएगा जहाँ पे मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें मिलती हो, वहाँ पे जाकर के आप ऐसे फोम को ले सकते हैं, जो कि 5 रुपये में देगा, अगर कोई ज़्यादा भी होगा तो 10 रुपये में दे देगा, बहुत हो गया 10 रुपये, नहीं 2 से 3 रुपये में मिल जाएगा, बट 5 रुपये मैंने आपको बताया। या फिर अगर आपके कोई भाई बंधु है या फिर कोई दोस्त है तो आप क्या कीजिएगा, उनसे रिक्वेस्ट करके आप इसको ले सकते हैं। जी हाँ, मान लीजिए इसका इन्वेस्टमेंट आप 10 रुपये लेकर के चलिए, 10 रुपये ही आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद में आपके पास में एयरफोन पहले से था ही, तो अभी आपको करना क्या है, सिंपली आपको इसके अंदर में यहाँ पे इसको थोड़ा सा मोड़ करके इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने इसको मोड़ा है इस तरीके से मोड़ करके आपको सिंपली करना क्या है, इसको कवर कर देना है इसके अंदर में। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, बट मैं इसको इसलिए लगा रहा हूँ इस फोन को, ताकि ये क्या करेगा, ये हवा जो आती है ना, हवा को है थोड़ा सा कम कर देगा, बहुत हद तक कम कर देता है ये। तो आपको करना क्या होगा, ये जो होल नजर आ रहा है ये होल को आपको एकदम ऊपर में रखना है, ताकि ये जो है उसको कवर कर लेवे, जैसे ये होल है अभी देखिए ये इसको कवर कर लेगा, ताकि जब भी मैं बोलूँ कुछ तो जो हवा आती है मुंह से हवा निकलती है या फिर जो नॉर्मली हवा आती है वो थोड़ा सा कम कर दे, ये ज़्यादा ना ले बल्कि सिर्फ मेरी आवाज़ को ले। तो इस वजह से आपको इस तरीके से कर देना है यहाँ पे, तो देखिए ये कवर हो गया होगा, यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा है, ये कवर हो चुका है, ये कवर हो चुका है। अब उसके बाद में आपको करना क्या है, दूसरी चीज़ की जरूरत होगी एक इस तरीके का, जब आप कोई भी एयरफोन वगैरह खरीदते हैं तो उस टाइम पे आपको ये मिलता है, यानी जो बेसिकली आपको एयरफोन जब इस तरीके से मोड़ करके देते हैं ना तो उसमें बंधा हुआ रहता है, या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड यानी वायर वाला जो रहता है उसके अंदर में ये जरूर रहता है, या फिर आप रबड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा सिंपली, और इसके जगह पर आप सूती कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर ले जो भी आपको मिले, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ये 5 से 10 रुपये में मिल जाएगा, ये ले लीजिए, और एक किसी ना किसी के पास में मिल ही जाएगा लगभग, तो आप ये ले लीजिएगा, इसको आप फेंक देते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करना सीखिए कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इसको लगा लिया, इस फोम को लगा लिया, फोम को लगाने के बाद में आपको करना क्या है, ये जो आपको नजर आ रहा है इससे आपको इसको बांध देना है, यानी यहाँ पे जो माइक नजर आ रहा है ना, माइक के नीचे में जो वायर है ना वहाँ पे आपको इसको बांध देना है, ताकि क्या हो कि जब आप इसको कॉलर के अंदर में जब फंसाइएगा तो वहाँ पे क्या हो, ये हटे ना, यानी यहाँ से ये हटे ना और ये फॉर्म जो है फटे ना, इस वजह से आपको करना होगा। इस तरीके से आपको करना क्या है, इस तरीके से आप इसको बना ले जा रहे, एक प्रोफेशनल वे में इसको आप बना लीजिए। सो इस तरीके से आप इसको लपेट सकते हैं थोड़ा सा, इस तरीके से लपेटने के बाद में आपको करना क्या है, सिंपली जब इसको आप कॉलर में, इसको आप जब कॉलर के अंदर में फंसाइएगा इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से मैं लेकर के गया, यहाँ पे जो है इस तरीके से बन जाएगा, यानी इसको और कम कर सकते हैं आप, इसको और कम कर लीजिए, जितना कम कर लीजिएगा उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर बेसिकली इसको बांध देना है, इस तरीके से बांधना है कि ये जो है हटे ना, यानी ये जो है ये जो वायर जो है ऊपर जाए ना, और ये माइक जो है, माइक का जो हमने फोम लगा रखा है फोम कवर, ये हटे ना। तो आपको करना क्या है, सिंपली ये जो आपको नजर आएगा, यानी अगर आपके पास में ये जो है ये माइक जो है अगर नीचे में है, अगर इस तरीके से है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अंदर डायरेक्टली डाल सकते हैं। मेरे पास में क्या है, ये जो सिर्फ ये ऊपर है, तो मैं क्या करूँगा, यानी सिर्फ इतना जो है इतना ही नीचे आया, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली यहाँ पे कॉलर के अंदर में इस तरीके से फंसा लूँगा,
यानी उसको अंदर कर दूंगा, ये बाहर रहेगा, इस तरीके से एक प्रोफेशनल माइक जो है बन जाएगा। आपको एकदम कम बांधना होगा, यानी जितना नज़दीक में हो और एकदम कम ना के बराबर आपको बांधना होगा, ताकि इसको जब आप फंसाएं ना तो ये ज़्यादा ऊपर ना उठा हुआ रहे। इस वजह से आपको एकदम कम तक बांधना होगा, एकदम जड़ में ही आप इसको बांध दीजिएगा। मैं जैसे जड़ में बांध देता हूँ इसको, आपको एकदम जड़ के अंदर में जो है इसको बांध देना है, और इस तरीके से बांधना ताकि ये ज़्यादा पता ना चले, वीडियो के अंदर में ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए, और यहाँ पे पूरा नज़र आ रहा है इस तरीके से, यानी ये जो माइक जो है माइक ऊपर के साइड में है, ताकि मैं जब बोलूँ तो सिर्फ ये हवा को रोके, मुंह की हवा को रोके, ना कि आवाज़ को रोके। इस वजह से माइक को जो है मैंने ऊपर कर रखा है, ऊपर साइड में, और इसको मैंने इस तरह लगा लिया, और इसको एकदम जड़ में मैंने बांध दिया। ठीक है, इसको एकदम जड़ में बांध देना है ताकि इसको लगाने में ज़्यादा परेशानी ना हो। और इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से आप कॉलर के अंदर में लगा सकते हैं, एक प्रोफेशनल की तरह दिखने लगेगा। एक्चुअली क्या ना, मैं ऊपर के साइड में लगा रहा हूँ, मैं थोड़ा बीच वाला में लगा लेता हूँ, ताकि बीच में रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। सिंपली इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे इसको लगा लिया। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं अपने कॉलर के अंदर में। अगर आप टी शर्ट वगैरह पहने तो उसमें थोड़ा सा अच्छे से फिट हो जाएगा, वैसे कुर्ता के अंदर में ये बटन की वजह से तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से फिट नहीं हो रहा है। अगर मैं पॉकेट के अंदर में रख करके बताऊँ तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, तो एकदम प्रोफेशनल लुक लगेगा, एकदम मस्त सा। आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको एज अ माइक इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाद में जब भी ज़रूरत पड़े तो इसको आराम से खोल लीजिए, और इसको हटा करके आप अपना इसको एयरफोन के जैसा इस्तेमाल कर लीजिए। चलिए अब मैं इस माइक का आपको टेस्ट करा देता हूँ, और इसके आवाज़ जो है मैं आपको बताता हूँ, यानी मैं आपको सुनाता हूँ कैसा है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ वाकई में आवाज़ इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने अभी माइक इंसर्ट कर दिया, और अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं मेरी, ये आवाज़ है इसी माइक्रोफोन का, जो जस्ट अभी हमने घर पे बनाया है 10 रुपये इन्वेस्ट करके। अगर आपने भी अपने लिए माइक्रोफोन बना लिया है घर पे बैठे बैठे, तो जस्ट आपको कमेंट करना है यस सक्सेसफुली आई मेड, ये आपको कमेंट कर देना है कमेंट सेक्शन में आकर के, ताकि मुझे खुशी होगी कि हाँ इस वीडियो से वाकई में आपकी हेल्प हुई है, और आप सक्सेसफुली आप अपने लिए बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में माइक्रोफोन बना लिए, और इसका इस्तेमाल करेंगे आप अपने वीडियोज़ के लिए, या फिर जिस भी चीज़ के लिए आपने इस माइक को बनाया है, जाहिर सी बात है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की नीड है। जी हाँ, ज़रूर आप शेयर कीजिए, ताकि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो, मेरा भी थोड़ा बहुत भला हो जाएगा। तो मिलते हैं इस तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इन सब ऐसे टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड, वैसे आपके पास में नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप उस वीडियो को देख करके आप अपने टेक लाइफ को इजी बना पाए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।